गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है अच्छे से सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलिए। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आई होप आपने अटेम्प्ट किए होंगे यस उसमें सर। कुछ। अब देखो, इसको अपन बेसिकली आपको यही दिखाना चाह रहा था कि ये जो जेई के पीवाईक्यू, दिखने में कुछ कुछ क्वेश्चन अजीब दिखेंगे, लेकिन अगर उसको कामली सॉल्व करोगे प्रॉपर वे में तो सारे क्वेश्चन डुएबल है। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। आप भी अपना तरीका डिस्कस करना चाहते हो तो बताते रहना, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और घर पे जाके फिर इसको आपसे एक बार से और रीअटेम्प्ट खुद से कर लेना। ठीक है, तो पहले हम एपी वाले जो क्वेश्चन है उनको रीअटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ ज्योमेट्रिकल के प्रॉब्लम में लेके आए हम वो देख लेंगे, कुछ बाइनोमियल के क्वेश्चन पीवाई के 2022 के वो देख लेंगे। 2022 में पेपर थोड़ा टफ था तो क्वेश्चन का लेवल रिलेटिवली मैथ्स का टफ आया था, वो भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे बाइनोमियल के। चलो इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला, देखो कभी भी क्वेश्चन आता है सीक्वेंस सीरीज का, देखो यहाँ से ध्यान से क्या क्या दिया है। यहाँ पे फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 500, कॉमन रेशियो इज 1/m, SN डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है। गिवन डेटा का अगर मैं बात करूं तो गिवन डेटा पहले उतार लेते हैं जल्दी से। तो फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी, तो जीपी की फोर्थ टर्म क्या होगी? और दूसरा रिलेशन अगेन S7 और S6 में गिवन, S7 इज लेस देन S6 + 1/2। तो इस रिलेशन को हम कैसे यूटिलाइज करें? सर वहां पे S5 को उधर ले जाते हैं ना, फिर S6 - S5 A6 हो बिल्कुल। जाएगा। अब देखो ध्यान से, कल ही मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद आ रहा है? SN में से SN - 1 अगर माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? AN सर। AN AN या फिर TN है ना। कोई nth टर्म निकालने के लिए शुरू की n टर्म का सम इसकी n - 1 टर्म से माइनस कर दोगे तो आपको उसकी जनरल टर्म मिल जाएगी, है ना? TN, यस सर। याद आ रहा है? यहाँ पे क्या बोला है, शुरू की 6 टर्म का सम, शुरू की 6 टर्म का सम में से अगर शुरू की 5 माइनस कर दोगे तो 6ठी टर्म ही तो बचेगी। बोलो, यस सर। एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। अगेन यहाँ भी अगर दूसरा S7 - S6, शुरू की 7 में से शुरू की 6 माइनस कर दोगे तो 7वीं टर्म बचेगी। यस सर। बस यही रिलेशन आपको डेवलप करना, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। अब देखो क्वेश्चन दिखने में इनइक्वालिटी आ गई तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट घबरा जाएगा, भाई इनइक्वालिटी तो कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेसिक था। अब T6 आप लिख दोगे, T6 क्या लिखोगे? A R की आर की पावर पावर 5 5 ग्रेटर देन 1, वेरी गुड। और T7 क्या हो जाएगा? ए आर की पावर 6 6 लेस देन 1/2। अब वैल्यू पुट अप करोगे, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, A R क्यूब की वैल्यू गिवन है आपके पास। ठीक है, तो और R R की जगह क्या लिख सकते हो? 1/m लिख सकते हो। क्लियर है? यस। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखो तो ए की वैल्यू अगर मैं पुट अप करूं, क्योंकि मुझे रिलेशन आर में लाना है, आर मतलब एम में लाना है कि एम की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे दो दो इनइक्वालिटी मेरे पास, दोनों का देखना पड़ेगा क्या इंटरसेक्शन आ रहा है। तो एम की पॉसिबल वैल्यू मुझे काउंट करनी, तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? आर 500 अपन आर क्यूब है ना। यस आर आर की पावर 5 से कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर बचेगा ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आएगा, आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1/500, पहला रिलेशन। यहाँ पे ए की जगह 500 अपन आर क्यूब रखूंगा तो क्या बचेगा? 500 आर क्यूब बचेगा, एक लेस देन 1/2, है ना? देखना यही बचेगा, यस सर। तो आर क्यूब लेस देन 1/1000। क्लियर है सबको? यस यस। अब इन दोनों से देख लेना कि आर की कितनी वैल्यू पॉसिबल आ रही है, इन दोनों का क्या लोगे आप इंटरसेक्शन। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। तो देखो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं। अगेन यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन, सर वो पिछले वाले में हमें इंटीजर वैल्यू लेनी थी। द कॉमन रेशियो, हाँ एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो इंटीजर नहीं, देखो ध्यान से इंटीजर नहीं बोल सकते। वन आर कॉमन रेशियो इज 1/m, तो आर की वैल्यू आपके पास 1/m है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वन, तो अगर आर आपका 1/m है तो 1/r की वैल्यू m के बराबर होगी, यस सर, है ना? और m बोला है नेचुरल नंबर, तो मतलब 1/r जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लेना, 1/r क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/r² और इधर कितना आ जाएगा? 500। और रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 1/r² लेस देन 500, और यहाँ एक और रिलेशन यहाँ से क्या आएगा? 1/r³
ग्रेटर देन 1000 आप सॉल्व कर लोगे, नेचुरल नंबर कितनी नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रही वो आपको देखना है, क्लियर? यस सर। ओके, आ रही बात समझ में सबको? यस सर। यस, एक बार और रीअटेम्प्ट इसको कर लेना, बेसिक क्वेश्चन था ये सारा, जेई का क्वेश्चन है, जेई 2020 थी लास्ट ईयर के क्वेश्चन। अब अगेन देखो यहाँ पे भी बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन की लेंथ को देख के या फिर उसकी शक्ल को देख के नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन का गिवन डेटा उतारो प्रॉपरली देखो, कम से कम 30 सेकंड दो और फिर आप जज करना कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भले क्वेश्चन दिखने में कैसा भी दिखे, ये बात हमेशा ध्यान रखना जेई में। अब यहाँ पे भी दिखने में बहुत अजीब दिख रहा है, तो पहली बार में क्लिक करेगा यार ये शायद टफ होगा तो छोड़ देंगे बच्चे, ज्यादातर बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन देखते हैं इसमें टफ है कि नहीं, टफ होगा तो छोड़ देना। देखो ध्यान से, A1, A2, A3 और 3 AP, तीन तरह की AP गिवन है, ठीक है, तो अपन लिख देते हैं, A1 एक AP है, एक AP की सीरीज, दूसरी AP और ये तीसरी AP, विद सेम कॉमन डिफरेंस, सबका कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है, हैविंग फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म है A, इसकी फर्स्ट टर्म है A+1, इसकी फर्स्ट टर्म है A+2, तो गिवन डेटा को ढंग से उतार लो, लेट ABC बी द 7th टर्म, 9th टर्म एंड द 17th टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म अगर A है, कॉमन डिफरेंस अगर D है, तो फर्स्ट वाले की 7th टर्म क्या होगी, A+6D, तो यहां की 7th टर्म मतलब A के बराबर, दैट इज 7th टर्म, 7th टर्म जो हो जाएगी A+6D, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है A+6D, वेरी गुड, तो ये A कैपिटल A के बराबर, स्मॉल A के बराबर, B मतलब 9th टर्म, इसकी 9th टर्म A+1+8D, इसकी फर्स्ट टर्म +8D, राइट? यस सर। और इसकी 17 टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म +2+16D, लिखना आसान था सबके लिए, आया ना? यस। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू, अब एक रिलेशन दे दिया डिटरमिनेंट के टर्म्स में, A, 2B और C, यहाँ पे दिया 7, 17 और 17, यहाँ पे 1, 1, 1, तो सबसे पहले क्या करें सर, रो 3 में से डिटरमिनेंट करें, हाँ डिटरमिनेंट में सबसे पहले ये 2-1 को 0 बना दें, यस सर, जब भी 3-1 दिखते अपने दिमाग में पहला क्या था कि कैसे भी करके 2-1 को 0 बना दे ताकि थोड़ी कैलकुलेशन मेरी क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना? तो रो 2 में और रो 3 में रो 1 को अगर माइनस कर दें तो रो 1 तो ऐसी कैसी, इन दोनों में अगर माइनस कर दोगे तो 2B-A, सर रो 3 और रो 2 को आपस में माइनस कर दे ना 17 भी चला जाएगा, अच्छा ये भी कर सकते हो, रो 2 और रो 3 को अगर आपस में माइनस करोगे तो 17 भी उड़ जाएगा, तो 2-0 क्रिएट हो जाएंगे, ये भी कर लो, तो अगर तो रो 2 को सेम रख लेते हैं, एक काम करते हैं रो 2 को चेंज नहीं करते और रो 1 में और रो 3 में रो 2 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A-2B, यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ पे 0 और इन दोनों को माइनस कर दोगे तो C-2B 0 और 0, क्या बात समझ में आ गई? यस सर। +70=0, अब बस इसको ओपन करोगे, वैल्यू पुट अप करोगे, ठीक है, एक रिलेशन वहां से आ जाएगा, पूछा क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, उस फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट टर्म दी हुई है अपन को, सॉरी ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू गिवन है आपको, क्लियर है? यस सर। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो जाएगा सॉल्व? यस सर। आपको सिर्फ क्या निकालना है, एक ए और डी निकालना है, इसमें सबकी वैल्यू पुट अप करोगे, ए बी सी की वैल्यू पुट अप करोगे, आपके पास दो ही अननोन है, कैपिटल ए और स्मॉल डी, और आपके पास दो अननोन है, दो इक्वेशन है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही क्वेश्चन दिखने में ऑफकोर्स टफ दिख रहे थे, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठ गई, अगर यहाँ पे देखो ये याद नहीं भी रहा तो भी लॉजिकली तो देख ही सकते थे, S6 यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने बोला, SN का मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लॉजिकली तो डेवलप कर, शुरू की 6 में से शुरू की 5 माइनस होगी, 6 टर्म ही तो बचेगी, है ना? और यहाँ पे भी आपको वैल्यू पुट अप करनी तो आसानी से आंसर आ जाएगा, तो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। अगला देखो फटाफट, अगला ये दिया था मैंने आपको, बोला ए बी ये और 3 टर्म जीपी में है, ये 3 टर्म एपी में है, तो ये निकालो, तो अगेन आपको पता ही, अगर मैं आपको क्या सिखाया था मुझे बताओ, अगर 3 टर्म एपी में होती तो क्या रिलेशन हो जीपी में, तो B² = A × 1/3, मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट होगा, है ना? यस। तब यही तो अपन ने सीखा, इसके अलावा तो कुछ सीखा ही नहीं है, कि अगर 3 टर्म जीपी में तो मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 पहली इक्वेशन ये आ गई, और 3 टर्म अगर एपी में है, 1/A, ये किसमें हुई है ना आपको, एपी में, तो एपी में हमको क्या बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ पे इसको सिंपलीफाई अगर करना चाहोगे आप, तो यहाँ पे आपके बनेगा A+B / AB की वैल्यू आपके पास 20 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल अगेन, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकाल लोगे। यस सर। अब देखो आपके सामने तीनों क्वेश्चन जो मैंने दिए थे आपके, जो इस बार सिलेबस में, इसके अलावा जो जो क्वेश्चन थे सब सीरीज के थे, सीरीज के अलावा जो क्वेश्चन आए जनवरी अटेम्प्ट में, तीनों करने लायक थे, है ना? बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन आया था जनवरी अटेम्प्ट में,
ए वन ए टू ए थ्री ये सब जीपी में इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर वाली जीपी है। गिवन डेटा, बस गिवन डेटा को ढंग से उतारते तो अपने आप चीजें क्लियर होती जाएगी। बताओ क्या इज गिवन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इज 9, मतलब फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का प्रोडक्ट आपको बस 9 गिवन है, पहली इक्वेशन। दूसरा क्या बोला है, सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म इक्वल टू 24, अगेन दो इक्वेशन दो वेरिएबल है ना। यस सर, ठीक है। फोर्थ टर्म बोलता तो क्या होगी, फोर्थ टर्म ARQ, सिक्स्थ टर्म ये क्या है, ये तो थर्ड टर्म ही तो है सर, फिफ्थ टर्म है ना। हाँ फिफ्थ टर्म, ये कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म आ गई है ना। यस सर, तो पांचवी टर्म थ्री आ गई। अब यहाँ पे तो पांचवी टर्म बता दी, मतलब पांचवी टर्म थ्री है। देखो ए आर की पावर फोर मतलब फिफ्थ टर्म होती है, याद आ रहा है। यस सर, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, सेवंथ टर्म आ जाएगी। अब देखो अब तो और आसान हो गया, सेवन टर्म पता है, फिफ्थ टर्म पता है, ए और आर दोनों आ जाएंगे, क्लियर है। ठीक है, अगेन देखो अगला क्वेश्चन दे दिया था, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एपी में है, क्या हो गया पिछले स्क्रीन में 24 कैसे रख दिया आपने, कहां पे 24? ये क्वेश्चन में दिया है ना, ठीक है क्वेश्चन में तो दिया है, सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड द सेवंथ टर्म इज 24, क्वेश्चन में दिया हुआ, क्लियर है। यस सर, ओके। यस सर, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे भी देखो लॉग में दिया, लेकिन घबराना नहीं है, हमको पता है बेसिक प्रॉपर्टी लॉग की, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एपी में है, जैसे ही तीन टर्म एपी में आती क्या दिमाग लगाओगे बोलो सर, अरिथमेटिक में डी ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अभी जो लिखा था। यस सर, यस सर, ये इक्वेशन नंबर 1, बस बिना सोचे समझे, भाई एक ही रिलेशन है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगला कांसेप्ट देखते हैं, तीन टर्म जीपी में गिवन है, तीन टर्म कौन-कौन सी, लॉग बी बेस ए, लॉग ए बेस सी, लॉग सी बेस बी, ये आपको बोला गया जीपी में गिवन है। तो सबसे पहले तो इनको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें क्या। यस सर, ये लॉग कैसे चेंज होंगे, बेस सेम बेस पे बनाना है तो क्या लिखो इसको, लॉग बी अपॉन लॉग ए, हां log b upon log a लिख सकते हैं, है ना, सेम बेस पे, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी याद आ रहा सबको, ये क्या हो जाएगा, log a upon log, सबसे पहले तो इसको थोड़ा अच्छा से लिखा देते हैं, और ये हो जाएगा log c upon log b। अब अगर gp में तो अगेन सेम कांसेप्ट, एक ही तरीका है, मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। यस सर, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, यही सेम चीज अभी जो पिछले क्वेश्चन में अपनाई थी और उस दिन में हमने बार बार देखा था, सेम चीज यहाँ पे अपनाई जा रही है, लॉग सी अपन लॉग बी। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या सिंप्लीफाई होके आ रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या सर, लॉग बी, लॉग बी और लॉग बी, लॉग बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लॉग सी अपन लॉग ए एक दिया हुआ है ना, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा पावर से, सॉरी नहीं सर, वो नीचे है, नीचे है, नीचे तो प्रोडक्ट हो जाएगी वो, क्या जाएगी प्रोडक्ट में, बेसिकली लॉग ए अपॉन लॉग सी का होल क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 1, तो इसको 1 से इक्वेट करोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, लॉग ए इक्वल टू लॉग सी। यस सर, लॉग ए इक्वल टू लॉग सी मतलब ए इक्वल टू सी आ गया। यस सर, तो दूसरी इक्वेशन ही आ गई, ए इक्वल टू सी। अच्छा, ए और सी को यहाँ पे इक्वेट करोगे तो यहाँ पे ए और सी को इक्वेट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए क्यूब आ जाएगा, तो बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, अगेन बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी आ जाएगा। Yes, sir. ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, अगर a इक्वल टू c, देखो ध्यान से, c की जगह a क्यूब रख देंगे अगर, तो ट्वाइस ऑफ a क्यूब, टू टू कर b क्यूब इक्वल टू a क्यूब, तो b इक्वल टू a आ जाएगा, है ना। yes, तो sir, क्या sir. a इक्वल टू b, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, हो जाएगा सॉल्व। yes, sir. ठीक है, अब देखो अगेन क्वेश्चन करने लायक, इसलिए घबराना मत, एग्जाम में जब भी आपके पास क्वेश्चन आए अटेम्प्ट जरूर करना। अगला क्वेश्चन, इस ऐसे क्वेश्चन को देख के पहली चीज दिमाग में क्या आती है, रैशनलाइज, रूट प्लस रूट दिया तो सबसे पहले क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, है ना। yes, तो नीचे प्लस है तो कैसे करेंगे, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हर टर्म में। yes, sir. ठीक है, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आपके पास देखो क्या क्या टर्म बनती जाएगी, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, रूट ऑफ ए टेन माइनस रूट ऑफ ए इलेवन, और नीचे रूट हट जाएगा, ए टेन माइनस ए इलेवन, क्लियर है। अगला यहाँ पे बनेगा रूट
a11 माइनस रूट a12 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। इस तरह से जाते जाओगे लास्ट टाइम आपका आ जाएगा रूट a17 माइनस रूट a18 डिवाइडेड बाय a17 माइनस a18 है ना। यस सर। यहां पे एपी में बोला गया तो एपी में दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है के बराबर होता है ये सब किसके बराबर है डी। आप चाहो तो डी लिखो या माइनस डी लिख दो इन सबको है ना। इन सब की जगह क्या आ जाएगा माइनस डी आ जाएगा। बोलो यस सर। आपकी बात समझ में ना। कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना होता है माइनस डी होता है ना। यस सर ठीक है। तो इन सब की जगह माइनस डी रख देना। अब देखो ध्यान से ये भी कैंसिल हो रही। देखो 11 से 11 कैंसिल, इससे ये वाली कैंसिल और इसके पहले ये वाली कैंसिल। तो यहाँ पे सिर्फ दो टर्म बचेगी a10 माइनस a18 है ना। यस सर। और एक नीचे b बचेगा और एक माइनस का साइन ये। तो पूरी इक्वेशन सिंपलीफाई होके देखो ये आ गई। बल्कि बहुत आसान क्वेश्चन था ये। सबको समझ में आया? यस सर। देखो ये सेम क्वेश्चन रिपीट भी हो गया। ये जनवरी में आया, वापस अप्रैल में ऐसा क्वेश्चन फिर आ गया था। आपको दिया भी था मैंने, है ना। सेम टाइप सेम टाइप का क्वेश्चन 2023 में जनवरी अटेम्प्ट में भी आया और अप्रैल अटेम्प्ट में वापस आ गया। उसमें भी ऐसे रेशनलाइज करके सिंपलीफाई करना था। एक और गिवन डेटा आपके पास क्या था? A5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A7 है ना। एक रिलेशन ये गिवन है और दूसरा क्या गिवन है? A11 इक्वल टू 18। ये दो इक्वेशन गिवन है। यहां से वैल्यू पुट अप यहां पे करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहां से A और D निकाल लेना। क्लियर है? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अननोन तो दो ही चीज है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जैसे ही उनकी वैल्यू आएगी नीचे पुट अप करोगे आपके आंसर आ जाएगी। आया बात समझ में? यस सर। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना घर पे जिन लोगों ने नहीं भी ट्राई भी किया। ओके नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आया एपी पे। अगेन घबराना नहीं, देखो ध्यान से क्या क्या गिवन डेटा है। A1 A2 A3 सब एपी में। A7 इक्वल टू 3 गिवन डेटा उतर रहा है। A7 इक्वल टू 3, A7 का फॉर्मूला बता दो जल्दी से। A+6D इक्वल टू 3 इक्वेशन है। अब बोला गया A1 इंटू A4 का प्रोडक्ट मिनिमम है। तो जैसे यहाँ पे मिनिमम आया तो कहीं ना कहीं दिमाग में क्या जवाब चमकेगी? AOD मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसको अगर आप कुछ मान लो, फॉर एग्जांपल इसको M मान लो, M मतलब A1 इंटू A4 का प्रोडक्ट। इसको आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज। किसी भी चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना मतलब उसका डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करेंगे। यस यस। A1 मतलब फर्स्ट टर्म A4 मतलब A+3D। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे किसी एक की वैल्यू पुट अप कर दो। अब चाहो तो किसी एक की वैल्यू पुट अप कर दो, चाहो तो ए रख दो या फिर डी रख दो। तो ए रखना आसान है, तो ए से ए की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगी? 3-6D है ना। ए की जगह क्या रख देंगे? 3-6D+3D। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3-6D इंटू ये कितना आ जाएगा? 3-3D। तो पूरी इक्वेशन डी में कन्वर्ट हो जाएगी। यस सर। फिर क्या करोगे? डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट Yes, और इक्वल टू 0। तो वहां से आपके पास क्या आएगा? डी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। उस डी की वैल्यू को यहां रखोगे तो ए आ जाएगा। ए पता है, डी पता है, फिर आपको पूछा क्या गया? एन। अच्छा, ए पता है, डी पता है, फिर क्या पता? सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इज 0। क्या दिया हुआ है बोलो? Sn क्या दिया हुआ है? 0। तो यहां पे ए और डी की वैल्यू पुट अप करोगे तो यहां से एन आ जाएगा। यस सर। ठीक है, देखो क्या क्या है। एक मिनट, थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं वापस से रिजॉइन करता हूँ। बाकी तब लोग तब तक आप ये देख लो, एक सेकंड में आया वापस। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अभी भी वॉइस मेरी थोड़ी फट-फट के आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते। आपको तो वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? सर हमें क्लियर है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मैंने क्या किया है, जो गिवन डेटा था उसको उतारा और इस गिवन कंडीशन इसको मिनिमाइज करना था। पूरी इक्वेशन को डी में कन्वर्ट किया एक सिंगल वेरिएबल में, फिर उसको उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करोगे तो डी आएगा। ठीक है, उस डी की वैल्यू रखोगे तो ए आएगा। ए और दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए और डी की वैल्यू अगर पुट अप करेंगे सम ऑफ एन टर्म वाले फॉर्मूले में तो एन आ जाएगा। अब एन पता है, ए पता है, डी पता है, आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया क्या है? आपको निकालना क्या है? एन फैक्टोरियल माइनस 4 टाइम्स ए एन इंटू एन प्लस 2 की टर्म निकालनी। तो एन एन की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, तो एन की जगह जो भी वैल्यू है रख देना 4 टाइम्स। अब ये जनरल टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये कितना है? एन की जगह क्या आ जाएगा? एन इंटू एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी।
ए पता है, एन पता है, डी पता है, सबकी वैल्यू पुट अप करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगेन देखो, जेई ने क्या करा, क्वेश्चन को डराने के लिए एक्सप्रेशन अजीब सा दे दी, लेकिन बहुत इससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो वैल्यू पुट अप करनी है। क्या बात समझ में आ रही है? ये भी इसी लेवल क्वेश्चन में ही आएगा आपका, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो सीक्वेंस सीरीज के अब तक आए एपी जीपी और इससे, वो जनरली आपको दिखने में अजीब दिख रहे हैं, लेकिन सारे डूएबल है ना। यस सर। ओके अगेन अगला देखो, 19 और 20, ये जनवरी एटम के सारे क्वेश्चन जो आपके मतलब सिलेबस में थे। फर्स्ट टर्म पता है एपी में, द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 8, द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म a1 + a2 + a3 + a4 इक्वल टू 50 है ना। तो यहाँ पे आप एक इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी ए और डी में। यस सर। वैल्यू पुट अप करोगे और एक और क्या बोला, सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म, लास्ट फोर टर्म मतलब लास्ट टर्म हो जाएगी an, उसके पहले वाली टर्म an माइनस 1, उसके पहले वाली टर्म an माइनस 2 और उसके पहले वाली टर्म an माइनस 3, इनका सम आपको गिवन है 170। तो यहाँ पे आप यहाँ से आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट टर्म पता ही है, तो यहाँ से d आ जाएगा और n आ जाएगा, तो आपके पास बेसिकली a पता ऑलरेडी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल से d और n निकाल लोगे, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, दो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, उसमें a की वैल्यू पुट अप करोगे तो d और n आ जाएगा, तो प्रोडक्ट तो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म पता कर लोगे, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगी। तो यस सर। यस सर। ओके, ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा पीएनसी टाइप का ही है, द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 or 3 बट नॉट बाय 7। तो मैंने क्या कहा था, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, सर सेट्स बना लेते हैं। हां सेट, वेन डायग्राम। तो आपको बोला दो से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल चलेगा, बस 7 से डिविजिबल नहीं चलेगा, है ना, क्लियर है। तो आप क्या करो, इसको बोल दो लेट, इसको बोलते हैं सेट ए, सेट बी और सेट सी, ठीक है। सेट ए मतलब 2 से डिविजिबल, सेट बी मतलब 3 से डिविजिबल, सेट सी मतलब 7 से डिविजिबल। तो तीन सेट आते हैं, तो तीन सेट का अपन वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ए बी और सी। ए मतलब ऐसे ऐसे जितने भी थ्री डिजिट नंबर जो 2 से डिविजिबल, नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2, तो सेट ए के नंबर आ जाएंगे आपके पास, है ना। 2 से डिविजिबिलिटी निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है। यस। सेट बी मतलब ऐसे सारे थ्री डिजिट नंबर, कल लास्ट क्लास में मैंने आपको 7 का डिविजिबिलिटी वाला एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, उसको बस 2 से डिवाइड करना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मतलब ऐसे सारे थ्री डिजिट नंबर जो 2 से डिविजिबल हो वो पता कर लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मतलब ऐसे सारे नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो पता कर लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी मतलब 7 से डिविजिबल वाला सेट पता कर लेना। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे कितने होंगे जो 2 या 3 से तो चलेंगे बट नॉट बाय 7, नॉट बाय 7। तो इस वेन डायग्राम में अगर उसको मैं डायग्रामेटिकली शो करूं तो ए और बी चलेगा बट 7 नहीं चलेगा, मतलब बेसिकली कौन सा आ जाएगा, ये रीजन आया ना, ये तो आ ही जाएगा, फिर ये वाला रीजन आ जाएगा और ये वाला, मतलब सी को छोड़ के सब कुछ। यस सर। ठीक है, सी को छोड़ के सब कुछ। तो आप क्या कर सकते हो, कैसे निकालेंगे ये वाला शेडेड रीजन, सी को छोड़ के सब कुछ है, मतलब बेसिकली अगर इनका यूनियन निकाल लें, इससे सी को माइनस कर देंगे, यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन में से नंबर ऑफ एलिमेंट सी माइनस कर देंगे। यस सर। और यूनियन का फॉर्मूला आपको लगाना है, आता है ये a + b + c, यूनियन का फॉर्मूला आपको लगाना आता है, हां है ना बच्चों। यस सर। यस सर। ग्रेट। प्रेफर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकाल लेना, इंटरसेक्शन मतलब 2 और 3 से डिविजिबल मतलब 6 से डिविजिबल, हां है ना, क्लियर। यस सर। ओके, करना ट्राई, बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, लास्ट क्लास में सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था 7 वाला, है ना। यस सर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए थे कुछ पीवाईक्यू, उसमें दो एपी आ रही थी, इस बार कितनी एपी आ गई, 3। आपको पूछा कि जितने भी कॉमन टर्म्स है कि उनका सम पूछा है ना। यस सर। तो आपको जो बेसिक, देखो बेसिक कांसेप्ट तो सेम लगेगा, जो कॉमन टर्म्स वाली एपी होगी, कॉमन टर्म्स वाली एपी का जो डी होगा, वो डी कैसे निकालेंगे, एलसीएम इन तीनों, वेरी गुड, इन तीनों जो एपी है, इन तीनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसका क्या ले लोगे, एलसीएम। तो बताओ फर्स्ट वाली का D1 कितना है, 4, D2 3, 5, तो 4, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 60। अब आपको ना कैसे भी करके ये पता करना पड़ेगा भाई पहली टर्म कॉमन कौन सी है, 47 है। इसको आगे बढ़ा के देखना थोड़ा, और देखना फर्स्ट टर्म कॉमन कौन सी आ रही है, फर्स्ट टर्म जैसे पता चल जाएगी बाकी के, उसमें 60-60 ऐड करके निकाल लो कि बची हुई आगे की टर्म्स, और उसको पता करना है, बस सम करना, और आपको ध्यान रखना है लास्ट आपकी 197 से छोटी आनी चाहिए, है ना, 197 से क्या आएगी, छोटी आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, 3-4 टर्म ही आएगी, क्लियर है। यस सर। ओके, तो बच्चों ये एपी का जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, मैंने डिस्कस कर दिया,
तो जिन बच्चों ने भी अटेम्प्ट किया तो उसको आइडिया लग गया होगा, जिन्होंने अटेम्प्ट किया तो वही बता रहा हूं। बोलो बोलो तो फिर डी तो 60 ही बन जाएगा, तो फॉर्मूला लगा के कर लेंगे डायरेक्ट। एक मिनट यार वॉइस ब्रेक हो रही, मैं क्या पता क्या हो गया लैपटॉप को, एक सेकंड मैं रीजॉइन कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे। हेलो सर, जैसे हाँ बोलो बोलो सर, जैसे एबीसी जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में होंगे सर, ये प्रॉपर्टी का यू। हाँ हाँ, अगर एबीसी जीपी में है तो आप चाहो तो उसकी इसको उल्टा बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो, क्रॉस चेक कर लेना, लॉग में अप्लाई कर देना उनकी वैल्यू। जैसे मान लो एबीसी आपका जीपी में है, ठीक है, तो जीपी में तो फर्स्ट टर्म को आप क्या मान सकते हो ए, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी ए आर क्यूब, क्लियर है। इनका अगर अपन लॉग लेंगे, फर्स्ट लॉग अगर ले ले तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी अगर ले लिया आपने तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी लॉग ऑफ ए, तो ये तो लॉग ऑफ ए ही रहेगा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी लॉग ऑफ ए आर स्क्वायर। सर वो ए आर होगा और ए आर स्क्वायर होगा, कहां पे प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हो, इसको लॉग ए प्लस लॉग आर लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग आर स्क्वायर दैट इज ट्वाइस ऑफ लॉग आर। इसमें कोई डाउट है किसी को इस वाले में? नो सर। अब देखो ये सारे आपके सामने जेई के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन थे, इसके बाद मैंने अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चन दिए थे, तो ये आप खुद से अटेम्प्ट कर लोगे एक बार और? एक बार आप खुद से वापस से ट्राई कर लेना और इनके आंसर के साथ मैच कर लेना, ये अगर हो जाते हैं और आपको और करने की इच्छा हो तो पीवाई की और एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेना। सर इसका एंड वाला समझा दो एक बार। कौन सा एंड में है जो अप्रैल वाले सेशन के? यही वाला, ये वाला A1 and A2 are be the earth two arithmetic means and G1 G2 and G3 be three geometric means of two distinct number, ठीक है ये वाला देख लो। एक बच्चे ने डाउट पूछा, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। बोला A1 and A2 be the two arithmetic mean and G1, G2, G3 be three geometric mean of two distinct positive number। अब हम सॉल्व कैसे करते थे? जैसे मान लो दो नंबर अपन ने क्या अज्यूम कर लिए, A और B, आया ना? Yes sir। इनके arithmetic mean question में बोला है कि A1 और A2, देखो कुछ भी नहीं है, आपको जो क्लास में सिखाया गया ना बस उसी का कॉन्सेप्ट है, A1 और A2। इसके बाद हम क्या करते थे, अच्छा ये आपका A1 A2 इसके क्या arithmetic mean, ये पूरी सीरीज AP में कन्वर्ट हो जाएगी। Yes sir। ठीक है। Yes sir। तो यहां से अपन अगर D निकाला, D का फॉर्मूला यार बताओ क्या था? और आप चाहो तो A1 भी निकाल सकते, A1 का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म में डी एड कर दोगे तो A1 आ जाएगा, उसमें वापिस डी एड कर दोगे तो A2 आ जाएगा, है ना? यहाँ पे चाहो तो वैल्यू पुट अप कर दो, तो यहाँ पे A प्लस डी b माइनस ए बाई थ्री रखेंगे, थ्री ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 2a प्लस बी, ये a1 आ गया। यहाँ पे a प्लस 2d कर दोगे सर, बाय थ्री भी है ना? हाँ बाय थ्री भी है, बाय थ्री, अच्छा बाय थ्री, तो यहाँ पे करोगे तो 3a, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस 2b बाय थ्री, क्लियर है? ये a1 a2 आ गया। सेम काम करना है अब जीपी के साथ, एक मिनट यार, सेम काम करना जीपी के साथ। यहाँ पे ए और बी है और तीन टर्म है G1, G2, G3। तो यहाँ पे अच्छा आर कैसे निकालते थे जल्दी बता दो सर, बी बाय n प्लस 1 वन अपॉन n प्लस 1, n कितना है यहाँ पे सर? 3।
1/4 हाँ है ना। यस सर। तो आर आ गया, अब जी वन जी टू जी थ्री भी निकल जाएगा, तो जी वन मेरा कितना हो जाएगा ए आर, जी टू कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और जी थ्री कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देना तो एक रिलेशन वहां से आएगा। वैसे पूछा क्या था देन, अच्छा पूछा क्या था वैसे, ये तो अपन ने देखा ही नहीं। देन द वैल्यू ऑफ जी वन की पावर फोर, जी टू की पावर फोर, जी थ्री की पावर फोर और जी वन स्क्वायर इंटू जी थ्री स्क्वायर किस इसके बराबर होगा, और चार ऑप्शन दिए हैं ठीक है। तो आपको अब इसको और तरीके के सिंपलीफाई, या तो अपन वैल्यू पुट अप करके चार ऑप्शन चेक करेंगे अपने पास, और ये इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं कि ये क्या गिवन है, पावर फोर पावर फोर पावर फोर, ये भी सिंपलीफाई हो जाएगा है ना। देखो इसको भी सिंपलीफाई करोगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, जो क्वेश्चन में बोला ना जी वन की पावर फोर, जी टू की पावर फोर, जी थ्री की पावर फोर, और क्या दिया है जी वन स्क्वायर इंटू जी थ्री स्क्वायर है ना। देखो जी वन की पावर फोर करोगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर फोर आर की पावर फोर, ए की पावर फोर और आर की पावर फोर करोगे तो फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, बी बाई ए बचेगा। जी टू की पावर फोर करोगे तो जी टू की पावर जैसे फोर करोगे तो ए की पावर फोर इंटू आर की पावर एट है ना, मतलब b by a का होल स्क्वायर। फिर g3 में कितना जगह, a की पावर 4 और r का क्यूब, d by a का क्यूब, हां तो b by a का क्यूब बच जाएगा, पावर 4 तो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और बस उसकी वैल्यू, अब वैल्यू पुट अप करने कुछ भी नहीं करना, फिर चारों ऑप्शन के साथ मैच कर लेना, कर लोगे कैलकुलेशन। यस सर। देखो क्वेश्चन अगेन टफ नहीं था, कैलकुलेशन करवा रहा है, नो डाउट करवाएगा मैथ्स में कैलकुलेशन, तो आपको थोड़ा पेशेंसली सॉल्व करना है, तीन चार मिनट जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व पूरा अंत तक करके ट्राई करना कि भाई आंसर मैच कर जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, कर लोगे आप सॉल्व? यस सर। यस सर कर ठीक है। अब फटाफट कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको कहा था कुछ ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। अब देखो ज्योमेट्री अगर मैं पढ़ूंगा तो ऑफ कोर्स इसमें ज्योमेट्री आती है, सर्कल की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बहुत सारी चीजें, लेकिन फिलहाल आपको मैंने इसलिए मना किया था कि हम ट्राई करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई करके ही सॉल्व कर ले क्वेश्चन, ताकि हमारा ज्यादा टफनेस भी नहीं आएगी। अगर आप देखो सिंपल, अगर एक छोटा सा अगर देखना चाहो, अगर मैं ये बोलता हूँ चलो इसको क्वेश्चन से अप्लाई करते हैं एक एक करके, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन जेई के क्वेश्चन जो ज्योमेट्री बेस्ड आए थे, जेड वन दिया है, जेड टू दिया है, क्वेश्चन में बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेट है जिसमें एक इक्वेशन गिवन है, जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस जेड टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू का मॉड का होल स्क्वायर, ये सब क्या गिवन है, मॉड गिवन है ना, बोलो। अब जेड के बारे में कुछ नहीं बोला तो जेड को क्या मानोगे, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड वन पता है जेड टू भी पता है, अभी देखो इनकी वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन समझ में आके बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। जेड की जगह रख देंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड वन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है टू प्लस थ्री आयोटा का मॉड का होल स्क्वायर है ना। यस सर। अब अपन क्या करेंगे, रियल पार्ट, रियल पार्ट कलेक्ट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल पार्ट में कौन-कौन है, एक्स और यहां पे क्या है टू है, तो रियल पार्ट में एक्स माइनस टू हो जाएगा है ना। यस सर। और आयोटा के साथ क्या क्या आ जाएगा, वाई माइनस थ्री, वाई माइनस थ्री का मॉड का होल स्क्वायर। अच्छा आपको पता ही है कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, उसका मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। और इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर अगर मैं बताऊंगा तो कितना जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, a मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, b मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, क्या बात समझ में आई। यस सर। अच्छा इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैं यहां पे जैसे इसको अगर मैं कांसेप्ट समझाऊं आपको, z आपने माना था x प्लस आयोटा y, z1 आपको दिया हुआ था क्या दिया हुआ था, 2 प्लस 3 आयोटा है ना, जैसे ही आपने z माइनस z1 का ये निकाला मॉड्यूलस, तो बेसिकली वो कितना है, रूट लगा देता हूँ स्क्वायर की जगह, क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो बेसिकली ये है क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इसको ये अगर ऑब्जर्वेशन करें, हाँ डिस्टेंस देखो, हाँ वेरी गुड, z हाँ देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये आपकी रियल एक्सिस ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस, तो जेड एक पॉइंट को डिनोट करता है, बताया था सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, अब फर्स्ट वाला जो है वो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हो गया, तो यहाँ पर जेड हो गया, ये पॉइंट जेड वन है, टू प्लस थ्री आया था, तो वो भी कहीं होगा, तो ये मान लो टू, ये मान लो थ्री, तो ये हो गया जेड वन, तो ये बेसिकली क्या, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है,
एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर है ना। यस सर। ठीक है, यहाँ से आप ये भी दिमाग में रख लेना कि जेड मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन या फिर जेड वन माइनस जेड टू का मॉड ये क्या डिनोट करता है। बोलो। हाँ बोलो, डिस्टेंस। वेरी गुड, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू है ना। बोलो। यस सर। वेरी गुड, क्या ये बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये याद रख लोगे तो भी मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू। क्या ये क्लियर हुआ कैसे कर रहा है? Yes, sir. चलो एक और चीज सिखा देता हूँ। अगर मान लो मैं ये देता हूँ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू, मान लो दिया मैंने फाइव, इसका मतलब क्या है? सर मतलब ओरिजिन से ओरिजिन से अगेन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 25 है ना। जेड आप मान लो x plus iota y, तो modulus of z का square कितना हो जाएगा? x square plus y square? Yes sir. अब बताओ ये किसकी equation है? Sir, center. Center. Origin. Origin. Radius? Sir, five. तो एक circle denote करता है इसका center, origin और radius कितनी है? 5 unit है। तो basically इस पे जितनी point है वो सारे z हो गए। Yes sir. वैसे भी दिया देखो mod z equal to 5 मतलब z का origin से distance 5 है, तो वो सारा वो ऐसे सारे point जिसका origin से distance 5 है वो एक circle पे तो lie करेंगे। Yes sir. ना sir. यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? अगर मेरे को ऐसा दिया mod z equal to r, this denote a circle center origin radius r है ना? Yes sir. Yes sir. इसी में अगर मैं आपको ये देता z minus z1 का mod equal to r, इसका मतलब क्या है? z एक मतलब general point आपका locus? Yes sir. Yes sir. जेड मतलब एक जनरल पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहा? कांस्टेंट आ रहा है? Yes, sir. दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है तो किसकी प्रॉपर्टी होती है? सर्कल की। सर्कल की। ये किसकी प्रॉपर्टी थी? सर्कल की। और उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। 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 फिक्स पॉइंट को क्या हो जाएगा? सेंटर। तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू आर अगर ये दिया हुआ तो ये किसका लोकस है? अ सर्कल जिसका सेंटर है जेड वन और रेडियस कितनी है? आर वन है ना। Yes, sir. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये देता हूँ जेड माइनस टू प्लस थ्री आयोटा का मॉड इक्वल टू फाइव, तो बताओ ये किसको डिनोट करेगा? सर्कल को। सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा? टू कोमा थ्री। टू कोमा थ्री, वेरी गुड। और रेडियस? फाइव। फाइव फाइव याद रख लोगे? यस सर। आसान है क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। हाँ देखो ये है ना, ये अगर याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो आपको बेसिक तो याद रखना ही है। जो ये पुट अप करो, सिंपलीफाई करो, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. अगर ये याद रह जाता तो इसको, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या ना, ये याद तो रह जाता लेकिन इसको अप्लाई करना टफ होता है। और ये ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं ना वो जेई एडवांस में काफी आते हैं, मेंस लेवल पे जितने भी क्वेश्चन आता जनरली वो एक्स प्लस आयोटा वाई रख के हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं करा, नहीं तो आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ने में काफी टाइम लग जाता, ठीक है? क्योंकि इसके क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा था, इसलिए अगर ये बेसिक याद रख सको, इसका कहीं यूज हो तो ध्यान रख लेना। तब तक मैंने आपको क्या सीखा, मैं यहाँ पे सब लिख देता हूँ। देखो अब तक अपन ने क्या देखा कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन, सर ये क्या डिनोट करता है जल्दी बता दो? डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू। वेरी गुड, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू। मॉड ऑफ जेड, जेड एक जनरल पॉइंट है, जेड वन इक्वल टू आर, ये क्या डिनोट करेगा? मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू मान लो के, चलो के कॉन्स्टेंट के, तो ये क्या डिनोट करेगा? इस तरह से मूव करता है सच दैट दो फिक्स पॉइंट से उसके डिस्टेंस का सम क्या आता है? कॉन्स्टेंट आता है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या दिया, जेड का जेड वन से डिस्टेंस, जेड का जेड टू से डिस्टेंस, मतलब दो फिक्स पॉइंट जेड वन और जेड टू से डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट आ रहा है तो क्या डिनोट करेगा? इलिप्स है ना, जिसके फोकस क्या होंगे? जेड वन और जेड टू फोकस होंगे, जेड वन एक फोकस होगा और दूसरा फोकस क्या होगा? जेड टू है ना।
अरे बोलो यस सर। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता तो हाइपरबोला इसी में अगर प्लस की जगह माइनस आ जाता तो क्या डिनोट करता है ये हाइपरबोला डिफरेंस कांस्टेंट है मतलब हाइपरबोला क्लियर है बस इतना याद रखना होता है आ गई बात समझ में यस सर क्वेश्चंस आते हैं फिर क्वेश्चंस हमको बताइए दो फिर नहीं पैराबोला रहने दो ठीक है पैराबोला में तो आपको क्या बोला गया भाई डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है इक्वल तो अगर ऐसा कुछ आता है लेकिन उसके लिए अगेन लाइन की इक्वेशन तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है चलेगा क्लियर है पैराबोला नहीं आएगा आ रही बात समझ में अभी yes. इतना बहुत है चलो अब इस पे आ जाते हैं यहाँ पे देखो ध्यान से क्या दिया हुआ था अब यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ स्क्वायर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर माइनस जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ठीक है तो जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर अगर करोगे तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर है ना जेड का जेड के साथ करोगे तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर और जेड वन और जेड टू के बीच में रिलेशन करोगे तो आ जाएगा इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आएगी क्या आएगी लीनियर इक्वेशन जो की क्या डिनोट करेगी स्ट्रेट लाइन आ रही बात समझ में यस सर ठीक है जब कुछ भी समझ में नहीं आता वैल्यू पुट अप करो सिंप्लीफाई करो तो अपने आप इक्वेशन आ जाएगी हाइपरबोला होना को तो हाइपरबोला आएगा लाइन आने होगी तो लाइन आ जाएगी क्लियर yes, चलो आगे बढ़ते फटाफट अगेन देखो यहाँ पे दिस इज सच दैट जेड लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस टू जेड के बारे में बोला गया जेड एक सर्कल है जिसका रेडियस टू है तो सेंटर क्या होगा ठीक है तो कैसे करें इसको अब सर, सर्कल केस में मैंने ये सीखा था अगर ऐसा कुछ होता ठीक है तो सर्कल जिसका ये सेंटर होता है ये रेडियस होता है लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मेट में तो हमको नहीं गिवन है ना अगर इस फॉर्मेट में आता जेड मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू आर तो मैं बोलता ये रेडियस ये सेंटर है लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मेट में नहीं गिवन किस फॉर्मेट में गिवन है मॉड ऑफ जेड माइनस टू आयोटा अपॉन जेड प्लस आयोटा इक्वल टू टू तो कैसे करें रैशनलाइज कर ले रैशनलाइज करने से क्या होगा सर इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर दे कॉन्जुगेट से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सर लेट कर लेते हैं और देखो और कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैंने क्या सिखाया है सबसे आसान जेड की जगह क्या मान लो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा देखो इसमें ये मानोगे सिंप्लीफाई करोगे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा देखो ध्यान से मॉड अलग अलग हो जाएंगे डिवाइड में यस सर तो मॉड को अलग अलग कर देना डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ तक समझ में आया यस सर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए ठीक है अब देखो जेड माइनस टू आयोटा का स्क्वायर तो ये कितना बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम्स जेड प्लस आयोटा का स्क्वायर तो जेड ये रहा तो एक्स का स्क्वायर आयोटा और इधर वाई तो वन प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना यस सर इसको सिंप्लीफाई करोगे एक सर्कल की इक्वेशन आएगी ठीक है जिसका रेडियस क्यों होगा सेंटर पता कर लेना सेंटर पता कर लोगे सर्कल का यस सर यस सर देखो इसलिए मैंने कहा था इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं दोना पड़ेगा फटाफट सॉल्व करना कैलकुलेशन हो जाएगी अगला अब ये थोड़ा सा अच्छा था देखो ध्यान से इसको मॉड जेड इक्वल टू फोर ये क्या डिनोट करता है सर्कल सर्कल अभी बताया और नहीं भी समझ में आएगा तो वैल्यू पुट अप करोगे तो अपने आप दिख जाएगा जेड मॉड जेड की जगह क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना यस सर इसको लिख ही लो आप याद नहीं भी रखो तो भी आप वैल्यू पुट अप करोगे तो अपने आप दिख जाए मॉड जेड इक्वल टू फोर तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 तो बेसिकली ये सर्कल सेंटर ओरिजिन रेडियस 4 ठीक है ये आपका कर्व C1 हो गया C2 में बोला गया C2 एक कर्व जो की है जेड प्लस 1/z ठीक है ये C2 ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये क्या डिनोट करेगा वो पता करना है तो इसको अपन कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं और देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसका लोकस है तो इसको कुछ मान लो कुछ भी मान लो W मान लो ओमेगा मान लो ठीक है ये C2 है अब इसको कैसे सिंपलीफाई करें सर रैशनलाइज कर देते 1/z को हाँ देखो अगेन यहाँ पे अच्छा मॉड z है ना तो मॉड z 1 होता तो मेरा काम हो जाता 1/z क्रिएट कर देता तो मॉड z का स्क्वायर अपन z * z कंजुगेट कितना हो जाएगा 1/16 है ना 1/z की वैल्यू कितनी आ जाएगी जेड कॉन्जुगेट बाय 16 है ना क्लियर है यस सर यस सर
देखो यहाँ पे वन बाय जेड था ना, वन बाय जेड के साथ कैलकुलेशन करूंगा तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि नीचे आयोटा आ जाएगा, हाँ है ना, तो वन बाय जेड अगर रिप्लेस हो जाए तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बोलो वन बाय जेड को रिप्लेस करने के लिए मैंने आपको सिखाया था क्या कर सकते हो, आपको दिया हुआ है मॉड जेड इक्वल टू फोर, तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 और मॉड जेड को अपन मॉड जेड स्क्वायर को क्या लिखते थे, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, याद आ रहा है, हाँ है ना बच्चों, बोलो यस सर। तो यहाँ से 1 बाय जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड कॉन्जुगेट अपॉन 16, ये स्टेप समझ में आई क्या? वो लाइक ही नहीं, देखो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मेरा जो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में कैलकुलेशन थोड़ी आसान दिखती है। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो, जेड की जगह रख दो भली एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसकी जगह क्या रख देंगे, एक्स माइनस आयोटा वाई बाय 16, है ना? यस यस सर। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करो तो देखो रियल पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, 16 प्लस 16 बाय एक्स कितना हो जाएगा, 17 एक्स बाय 16 प्लस आयोटा कितना आ जाएगा, 15 वाई बाय 16, है ना? Yes, मुझे पता करना है किसका लोकस है, बेसिकली ये क्या प्रॉपर्टी डिनोट करता है, तो कैसे सोचे इसका मॉड्यूलस निकाल के देखें। yes, sir. के नीचे। हाँ, अब मुझे देखो कैसे भी करके रिलेशन लाना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये बेसिकली क्या प्रॉपर्टी डिनोट करेगा, मेरे पास एक रिलेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 है, तो ये किसको डिनोट करेगा ये मुझे पता करना है, तो इसमें कैसे रिलेशन डेवलप करें, x स्क्वायर y स्क्वायर क्रिएट हो सकता है क्या सर, स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन कैसे दिखेगा, ये तो कॉम्प्लेक्स है, इसका पहले मॉड्यूलस करके देख लो एक बार, मॉड्यूलस करके देख लो, चलो मॉड्यूलस इसका कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस का स्क्वायर अगर देखोगे तो 16x स्क्वायर 17 स्क्वायर बाय 16 स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आएगा 15 स्क्वायर y स्क्वायर बाय 16 स्क्वायर, हाँ है ना, सही है, ठीक है। यस सर। अच्छा, इस 16 को अगर मैं नीचे भेज दूं तो x स्क्वायर बाय 16 बाय 17 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 15 बाय 16 का होल स्क्वायर, है ना, एलिप्स एलिप्स, तो सर्कल और एलिप्स सेंटर ओरिजिन कितने पॉइंट पे कट करेंगे, 4। हाँ, इसको एक बार प्लॉट करके देख लेना आप लोग, तब दिख जाएगा, क्लियर है सर। हमें मॉड्यूलस ये ओमेगा मॉड्यूलस 1 के बराबर दे रखा है, ओमेगा मॉड्यूलस आपको निकालना होगा जेड मॉड्यूलस की मदद से, दोनों तरफ मॉड ले लेना, ठीक है सर। नहीं मतलब हम बाद में इलिप्स बना रहे हैं ना, तो उसके लिए 1 के बराबर दे रखा है कि नहीं, 1 निकालना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। यस सर, फटाफट देख लो आपकी कितनी, 6:30 तक है ना, जल्दी जल्दी देखो, 1 सेकंड बताओ इसमें क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, देखो वही सेम चीज जो अभी कराई थी, है ना, x प्लस आयोटा वाई मान लेना, दोनों तरफ सिंपलीफाई करोगे सर्कल आ जाएगा और सेंटर रेडियस आ जाएगा, क्लियर है? यस यस सर। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन गिवन, इसका मतलब क्या है, दिस एंड दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा की अगर ये रूट्स है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस प्लस के अल्फा x x प्लस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा बीटा हां, क्या फार्मूला भाई, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना? यस सर। इक्वेशन बनाने का तरीका यही तो सीखा था, क्या अगर दो रूट्स पता हो तो इक्वेशन बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है? यस यस सर। चलो फटाफट एक दो बाइनोमियल के क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा ये 2022 के क्वेश्चन है, थोड़े से लेवल इनका अच्छा था क्योंकि 2022 में मैथ्स का पेपर टफ आया था, तो एक बार अटेम्प्ट कर लो, कोई बात नहीं, ज्यादा टफ नहीं है। 3 की पावर 2000 डिवाइड बाय 5 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका, तीन की पावर 2 निकाल लिया और 10 माइनस तरीका क्या है भाई, 5 से डिविजिबिलिटी, तो मैं 5 क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, 5 या 5 के मल्टीपल, देखो 5 5 है 10 है 15 है, तो या तो इसके अंदर 5 या 10 कोई क्रिएट करो, और कोशिश करना है 1 भी क्रिएट करना है ना, बोलो। यस। और 3 के मल्टीपल्स की 3 के पावर्स देख लो सारे, तो 3 9 27 81, तो भाई 9 और 10
इन दोनों में डिफरेंस वाले का यस सर तो 9 और 10 क्रिएट कर लेते तो यहां पे 9 कैसे क्रिएट होगा 3 के सर x स्क्वायर अंदर ले लेते हैं इसका स्क्वायर अंदर ले लेंगे पावर 1011 9 की पावर 1011 9 को क्या लिख दोगे 10 माइनस 1 10 माइनस 1 की पावर 1011 अब इसको ओपन कर देंगे है ना n c 0 ये क्या है x बेसिकली x प्लस y का पावर है तो x की पावर n है ना प्लस n x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 इस तरह से आगे जाता जाएगा और लास्ट वाला टर्म आएगा आपके पास n c n माइनस 1 की पावर n ठीक है क्लियर यस सर यहां से लेके यहां तक जितनी भी टर्म हो उसमें कम से कम एक 10 तो हो गई यस सर कम से कम एक 10 तो उसमें होगा क्योंकि हर टर्म में कम से कम एक 10 आना ही है 10 की पावर घटती जा रही है यहां तक इसके पहले वाले टर्म में एक लास्ट 10 बचेगा तो सारी टर्म में 10 का होगा कोई ना कोई एक टर्म और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा एनसीएन की वैल्यू कितनी होती है -1 तो यार 10 के -1 मुझे कैसे डिविजिबिलिटी चेक करना 5 के से तो 5 के टर्म्स किसके लिख देंगे तो 10 के -4 +4 हां इसको 5 क्रिएट करेंगे सबको सिखा रखा आपको तो यहां पे -4 +4 कर दोगे यस ठीक है ये क्या बन जाएगा आपके पास एक तरह का 10 के -5 मतलब 5 का मल्टीपल +4 तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 ठीक है तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बस थोड़ा बहुत वो घुमाएंगे आपको लेकिन आपको तरीका यही रहेगा अगला देखो ध्यान से अगला जो आपको दिया है 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब ये जो एक सीरीज गिवन है इसको अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा तो इस सीरीज को सिंपलीफाई करने का तरीका क्या होगा सर जीपी है ये देखो जरा है ना सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके अंदर 2022 है ना 3 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा 21 तक जा रहा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2022 फर्स्ट टर्म आपको पता है कॉमन रेशियो पता है यस सर ऐसे का फार्मूला अप्लाई कर दोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा यस सर उस एक्सप्रेशन में फिर 50 क्रिएट करने की कोशिश करना क्या क्रिएट करोगे 50 है ना उसको बेसिकली yes. आपको किस फॉर्मेट में लाना अगेन 50 लैम्डा प्लस समथिंग आर इस फॉर्मेट में लाना तो 50 लैम्डा प्लस आर में जो भी चीज होगी वही आपका क्या होगा रिमाइंडर क्लियर है तो यहां पे जीपी का फार्मूला अप्लाई करने के बाद जीपी के सम का फार्मूला अप्लाई करने के बाद उस पूरी एक्सप्रेशन को 50 लैम्डा प्लस आर के टर्म्स में कन्वर्ट करना तो जो आर आएगा वही आपका क्या होगा रिमाइंडर होगा क्या बात समझ में आई ये सर आ गई ओके यहां पे ये काफी अच्छा था 2021 की पावर 2023 अब यहां पे दिक्कत क्या है पावर तो थोड़ा हाई है अंदर वाला नंबर भी बहुत बड़ा है कैसे करें इसको अब 7 से डिविजिबिलिटी पूछिए यस सर है ना अब 7 से डिविजिबिलिटी पूछी और देखो 7 की टर्म्स में क्या कहता है 7 14 21 एंड सो ऑन है ना और यहां पे 2021 दिया हुआ है तो इस अंदर वाले टर्म को कैसे ब्रेक करें सर उससे सबसे पहले वाला जो 7 का मल्टीपल है वो देख लें ये और उसके सबसे बाद वाला इसके सबसे पहले और इसके सबसे बाद 2007 से डिवाइड करके देखते हैं हां चलो देख लो वेरी गुड एक बच्चा बोला सर 2021 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसका रिमाइंडर मतलब कैसे किसके आसपास आ रहा है तो 7 से डिवाइड करोगे तो 6 21 कितना आएगा यहां पे 56 कितना बचेगा 6 वापस से कितना बचेगा 56 रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 ना इसके पहले वाला नंबर वेरी गुड इसके पहले वाला जो नंबर देखो इसके रिमाइंडर 5 आ रहा है तो 2021 के पहले कौन सा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा इसमें से 5 माइनस कर दें 2016 है ना यस सर और इसके बाद वाला नंबर कौन सा आएगा 2026 नहीं इसमें 7 ऐड करोगे ना 2023 सॉरी 2023 जो है वो 7 से डिविजिबल है हां है ना यस सर तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2023 -2 यस आ रही बात समझ में देखो मैंने क्या करा इसको 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया नंबर 2016 7 से डिविजिबल है 2016 के बाद अगला नंबर 7 से डिविजिबल कौन सा होगा इसमें 7 ऐड कर देंगे हां है ना यस सर आ रही सबको बात तो सबसे पास yes, कौन सा है 2021 के पास कौन सा 2023 है तो 2023 को यूज करा मैंने बोलो इसमें किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो एनीवे जल्दी से नो सर बाकी लोग जिसको डाउट हो तो पूछ लो ठीक है अब यहां पे मेरे पास इस तरह की टर्म आ गई अब इसको ओपन करेंगे n n को n अभी n रख रहा हूं n c 0 2023
की पावर एन, फिर एन सी वन, इस तरह से आगे जाती जाएगी मेरी गाड़ी 2023 लास्ट तक आएगा, बस आखिरी वाली टर्म में 2023 नहीं आएगा। यस सर, आखिरी वाली टर्म में क्या आएगा, एन सी एन टू की पावर 2023 है ना सर, माइनस टू की ना, हाँ माइनस टू, ठीक है सर। यस, तो बेसिकली यहाँ से लेकिन यहाँ तक हर टर्म में 2023 रहेगा। यस ठीक है, और ये कितना बन जाएगा बेसिकली माइनस टू की पावर 2023। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखो ये तो सेवन का ही मल्टीपल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला मेरा टारगेट क्या, अगला क्वेश्चन क्या करना है, दो की पावर 2023, इसको अब मुझे सेवन के टर्म्स में तोड़ना है। सर टू क्यूब एट होता है सर, अब टू की पावर एट, अभी टू की पावर क्यूब निकालना है ना, तो टू क्यूब निकालने के लिए थ्री से डिविजिबल है कि नहीं पहले ये चेक करना पड़ेगा। 2023 अगर क्यूब निकालना, 2022 होता है, 2022 तो फिर नहीं है, तो 2022 होता है ना, तो इसमें से एक टू अलग कर लो। यस सर, ये तो 2022 बचेगा, इसमें सब पावर तीन अलग निकाल लें, है ना। 2022 को तीन से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 3 6 18 और 3, सॉरी क्या बच गया, 674 बचेगा, एक बार चेक कर लेना कितना आ रहा है, यहाँ पे व्हाइट में दिखेगा नहीं, डिवाइड करो 2022 को तीन से कितना आ रहा है जल्दी से, 674 सर। 2023 को अगर सात के उसमें तोड़ देता हूँ तो ये आराम से जाता। 2023 पावर को थोड़ी तोड़ूंगा मैं, अंदर की टर्म को तोड़ेंगे ना अपन, पावर को थोड़ी तोड़ते हैं, क्लियर है? यस सर। हाँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 × 8 की पावर 674। अब 8 को आप क्या लिख दोगे, 7+1 7+, अब आगे सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है? यस सर। तो घबराना नहीं, क्वेश्चन को देख के अगर हायर पावर भी दे तो उसको छोटे छोटे टर्म्स में तोड़ तोड़ के करोगे, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना जितने भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है। सर यहाँ पे कोफिशिएंट वाले आएंगे क्या, ये कोफिशिएंट वाले भी जो क्वेश्चन थे ये वाले आएंगे ना, कोफिशिएंट वो वाले नहीं आएंगे, बेसिकली कोफिशिएंट आपको पूछेंगे, सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्लियर है? देखो ध्यान से अगला, ये अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसको ध्यान से देखो किस तरह का एक्सप्रेशन है, ध्यान से ऑब्जर्व करो किस तरह की सीरीज दिख रही है, तो जीपी, हाँ वेरी गुड, जीपी लग रही है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये पावर एक की कम होती जा रही है, यस सर, और एक्स की पावर एक की क्या हो रही, बढ़ती जा रही है, यस सर, है ना। बेसिकली ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, एक्स की पावर बढ़ती जा रही है और ये वाली पावर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इन सब देखो इसमें अगर मैं आर मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा कि नहीं आएगा, यस R आपका x अपॉन 5 प्लस x है, इसमें आप इस R मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ये एक sum of the GP है, अगेन बस यही पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, sum of GP का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, yes, sir. ठीक है, जैसे ही अप्लाई करोगे फिर कोफिशिएंट पूछा, कोफिशिएंट निकालने का तरीका ऑलरेडी सिखा है, x की सारी पावर को कलेक्ट करना और देख लेना उसको 101 से इक्वेट कर देना, क्लियर है? यस सर। यस अगेन एक और क्वेश्चन, x की पावर 10 इन द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, a पता है b पता है, x की पावर 10 का कोएफिशिएंट, अच्छा ये निकालना है, x की पावर 10 है ना, यस सर, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर लेना, जनरल टर्म लिखोगे, जनरल टर्म में x की जितनी पावर कलेक्ट होगी उसको कैसे इक्वेट करोगे, 10 से, वहां से r आ जाएगा, है ना, यस सर, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब x की सारी पावर को कैसे इक्वेट कर दोगे, 0 से, ठीक है, अरे बोलो, Yes, sir. तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो ध्यान से, इसमें अब दो तरह की टर्म्स आ गई है, तो ये मैं सिखा देता हूँ, पढ़ो एक बार, बोला गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक 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 ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ जिसमें पावर कुछ भी नहीं, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1, और इसके साथ एक एक सीरीज मल्टीप्लाई हो रही है, इन तीन टर्म के साथ एक बहुत बड़ी सी सीरीज मल्टीप्लाई हो रही है, बाइनोमियल सीरीज 5/2 x³ - 1/5 x² / 11। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो करने का तरीका क्या होगा समझ लो, देखो इसमें बस क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछ सकता है,
उससे पूछा गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स मतलब एक्स की पावर जीरो की जो भी टर्म बनेगी इसका कोएफिशिएंट क्या होगा वो पूछा है। अनम्यूट करो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। 3x क्यूब है। ठीक है, हाँ क्यूब लिख देना इसको। आपको पूछा क्या गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स मतलब एक्स की पावर जीरो के साथ जो टर्म बनेगी वो पूछी है ना। यस सर। कॉन्स्टेंट टर्म पूछा। अब देखो ध्यान से होगा क्या, ये बहुत सा बड़ा एक्सपेंशन होगा जिसके अंदर 12 टर्म्स होगी, एक दो तीन ऐसे 12 टर्म्स है ना। यस सर। उन सब 12 टर्म के साथ पहले 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x क्यूब मल्टीप्लाई होगा, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 तो 36 टर्म्स आएगी। यस सर। ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इस ब्रैकेट में आपके पास 12 टर्म्स आएगी, 12 टर्म्स, और ये यहाँ पे तीन टर्म्स है, तो एक एक करके ये तीनों टर्म सबके साथ मल्टीप्लाई होगी है ना। ठीक है, तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो उसमें मुझे क्या देखना है, किसका कोएफिशिएंट देखना है 1 के साथ, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 देखना है। यस सर। और जब x स्क्वायर के साथ ये चीजें मल्टीप्लाई होगी तो अगर इसमें x की पावर 0 बनाना है तो यहां पे किसका कोएफिशिएंट देखेंगे, 1 / x स्क्वायर, 1 / x स्क्वायर का, या फिर x की पावर -2 का कोएफिशिएंट देखेंगे x स्क्वायर के साथ। यस सर। यस सर। ठीक है, और लास्ट 3x क्यूब जो है उसमें किसका कोएफिशिएंट देखेंगे, x की पावर माइनस थ्री का, ताकि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो बना देगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बना देगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बना देगा। क्लियर है? Yes. तो इसके अंदर ये जो एक्सपेंशन है इसमें मुझे तीन तरह के देखने हैं, वन के साथ देखना है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे इसकी जनरल टर्म, ठीक है, इसकी बाइनोमियल के क्या निकालोगे जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, एन सी आर फर्स्ट वाले टर्म की पावर n माइनस आर और सेकेंड वाले टर्म की पावर r, है ना। यस सर। यहाँ से क्या करना, x की सारी पावर कलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में क्या करोगे, सबसे पहले x, ये जो x की जितनी पावर है इसको जीरो से इक्वेट करोगे पावर को, वहां से देखना r क्या आ रहा है, फिर एक बार पावर को कैसे इक्वेट करोगे, एक बार जीरो से एक बार माइनस टू से, पावर को कैसे इक्वेट करोगे माइनस टू से, वहां से आर पता कर लेना, और एक बार पावर को कैसे इक्वेट करोगे माइनस थ्री से। ठीक है, तो यहाँ से जो कोएफिशिएंट आएगा एक वो बनेगा, फिर यहाँ से जो कोएफिशिएंट आएगा उसका माइनस टाइम्स, और यहाँ से जो कोएफिशिएंट आएगा उसका थ्री टाइम्स। क्लियर है, यहाँ का और यहाँ का। क्लियर है? यस सर। ये आपका आंसर आएगा, प्रोवाइडेड आर आपका इंटीजर आना चाहिए, तो जहां जहां भी इंटीजर वो वैलिड होगा, जहां पे आर की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है उसको रिजेक्ट कर देना। लेकिन कहने का मतलब ये, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं आपके पास आगे ऐसी टर्म है, अब मुझे x की पावर जीरो बनाना है तो x की पावर इसके साथ, तो x की पावर जीरो चलेगी इसके अंदर, इसके साथ क्या निकालना पड़ेगा, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो ताकि x की पावर जीरो बने, x की पावर माइनस टू के साथ, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो ताकि x की पावर जीरो बने, x की पावर माइनस थ्री के साथ, तो इन तीनों के क्वेश्चन आपको निकालने होंगे। क्या बात समझ में आई? यस सर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन इसको घर पे एक बार ट्राई कर लेना प्रैक्टिस के हिसाब से, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, मेरे यहाँ क्या थोड़ी सी फैमिली इमरजेंसी आ गई है, तो आज ही मैं हॉस्पिटल निकलूंगा, एक्चुअली आउट ऑफ टाउन अहमदाबाद जाना है, तो मैं अगले 3 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन आपकी क्लासेस लगेगी। ठीक है, तो 28th को 30 को 1 को इन 3 दिन आपकी जो क्लासेस लगेगी उसमें चीनू मैम लेगी और उसमें वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ये वाला टॉपिक कवर कर देगी। उसके बाद दो तारीख से कैलकुलस मैं पूरा कवर करूंगा आपका, जितना भी कैलकुलस का पोर्शन है, तो अगली 3 दिन की जो क्लासेस है उसमें चीनू मैम डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स आपका रिवाइज करा देगी। क्या क्लियर है? 28 तारीख को और 30 तारीख को क्लास का टाइमिंग, 29 को क्लास नहीं ले पाएगी क्योंकि ऑलरेडी उस समय क्लास होती है, तो 28 और 30 को आपका क्लास का टाइमिंग वही रहेगा इवनिंग का ही। ठीक है, 7 से 8 बजे का की सर? हाँ, शाम वाले, और आपके ग्रुप में मैसेज भी आ जाएगा, डोंट वरी, मैं मैसेज तो मैं डालता रहूंगा। ठीक है, मैं अवेलेबल रहूंगा ही सही, बस मैं क्लासेस के लिए अवेलेबल नहीं हूँ नेक्स्ट 3-4 दिन के लिए। ठीक है, तो मैं 1 तारीख को रिटर्न आऊंगा अहमदाबाद से, तो फिर आपकी 2 तारीख से क्लासेस में ले लूंगा। क्लियर है? ओके सर। 2 तारीख से लेके 15 तारीख तक अपन कैलकुलस कवर करेंगे, उसका शेड्यूल भी अभी मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ कि कैलकुलस का कौन से दिन कौन कौन सा चैप्टर कवर होगा, और मोस्ट प्रोबेबली अपन दिन की 1 या 2 क्लासेस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 क्लासेस चीनू मैम लेगी, जो कि आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कवर कराएगी। उसके पहले आपके पास जो जो भी टाइम अगर बचता हो फ्री टाइम, तो आप पुराना जो टॉपिक जो हो चुका उसको रिवीजन करना।
क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी नेक्स्ट डे सर।